को पब्लिक सेक्टर के बारे में, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है, ये सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता। और पब्लिक सेक्टर आप आज खत्म करने क्यों जा रहे हो? इस देश में अगर बीएसएनएल भारत सरकार का नहीं होता तो वो एक छोटे से गांव में टेलीफोन कोई आपका बड़ा उद्योगपति दोस्त कभी वहां नहीं पहुंचाता, वो भारत सरकार का पीएसयू था कि बीएसएनएल एक छोटे गांव में भी टेलीफोन लेके गया। रेलवे भारत सरकार का पीएसयू है तो एक छोटे गांव के लोगों के लिए भी सुविधा रेलवे देगा। कल आप किसी चहेते उद्योगपति को ये दे दोगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वो अपना मुनाफा देखेगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, वो सर्विस ओरिएंटेड कभी भी नहीं होगा। आज हम बीएसएनएल की क्या हालत कर रहे हैं, आज हम एमटीएनएल की क्या हालत कर रहे हैं? अगर ये आपका मर जाएगा तो तीन या चार बड़ी कंपनी जो टेलीफोन ऑपरेट करती है वो ट्रीटी कर लेंगे, साथ मिल जाएंगे, और 100 रुपया प्रति मिनट भी करना होगा वो करके देश में लूट मचाएगा। ये तो आपका पीएसयू है तो आप कंट्रोल में रख सकते हो। आप उस पीएसयू को क्या हालत कर रहे हो? आप बीएसएनएल को कहते हो कि तुम्हें कोई भी चीज बाहर से नहीं लेने देंगे, मेक इन इंडिया यूज करो, और अपने दोस्तों के टेलीफोन ऑपरेटर से उसको कहते हैं कि आप चाइना से लाओ, कोरिया से लाओ, कहीं से भी लाओ, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाउ बीएसएनएल विल कॉम्पीट विद दिस पीपल? आप बीएसएनएल को करते हो कहते हो कि आप 4G और 5G में आप कॉम्पीट नहीं करोगे, आप दूसरों के साथ हरीफाई नहीं करोगे, क्योंकि वहां दोस्त लोग हैं वही कॉम्पिटिशन करेंगे, फिर बीएसएनएल जिंदा क्या रहे? तो ये आप जियो को जीने दो पर बीएसएनएल को मत मरने दो, मेरा तो यही कहना है। मैं इसी लफ्जों के साथ मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, उसको वित्त मंत्री जी इसके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएसएनएल और वीआरएस से रिलेटेड सारी न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।